हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे देश की जहां पर ज्यादातर शादियां चचेरे भाई बहनों के बीच होती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अलीबाबा 40 चोर की कहानी तो सुनी ही होगी। इस कहानी को भी इसी देश में लिखा गया था। यहां की सबसे अजीब बातों में से एक बात यह है कि यहां पर कराटे वाली फिल्म देखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा क्यों है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, यही वो देश है जिसने हजारों साल पहले पहिए का आविष्कार किया था। इस देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। ऐसा क्यों है ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के पड़ोसी देश इराक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इराक के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं इराक देश के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, एशिया महाद्वीप में स्थित इराक को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इराक के नाम से जाना जाता है। इस देश की राजधानी होने के साथ साथ बगदाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। प्राचीन समय में इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था और साथ ही में इराक दुनिया का वो देश है जिसने दुनिया को पहला नक्शा और सटीक कैलेंडर दिया है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 4,35,00,000 के आसपास है, जिस वजह से ये देश एशिया महाद्वीप का 14वां और दुनिया का 36वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 95% से भी ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कियों पर 103 लड़के हैं। इस देश के ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 71% लोग शहरों और 29% लोग गाँव में रहते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो इस देश में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में 93 लोग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि इस देश में कराटे वाली फिल्मों को देखने पर बैन लगाया गया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई युद्ध हो चुके हैं जिस वजह से इस देश को काफी नुकसान पहुँचा है। तो इस वजह से यहाँ की सरकार ने इन सब चीजों को रोकने के लिए कराटे वाली फिल्मों पर बैन लगाया है। दोस्तों, यही वो देश है जिसने बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इराक देश तेल के उत्पादन के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये देश खनिज तेल के उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 5 पर है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात की अवधारणा इराक से ही उत्पन्न हुई थी और साथ ही में नक्षत्रों के आधार पर भाग्य बताने की शुरुआत भी इसी देश से की गई थी। यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत मधुमक्खी पालन है क्योंकि यहाँ पर पिछले 5000 सालों से मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। दोस्तों, इस देश में ज्यादातर शादियाँ चचेरे भाई बहनों के बीच होती हैं। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी अपनी चचेरी बहन साजिदा तलफा से शादी की थी। इस देश के लोग मुख्य रूप से अरबी और कुर्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ के संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा सिर्फ अरबी भाषा को दिया गया है। दोस्तों, इस देश की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे यहाँ की लड़कियाँ मुंह खोलकर घर से बाहर नहीं जा सकती, किसी गैर लड़के से बात नहीं कर सकती। आदि कारणों की वजह से इस देश की लड़कियाँ लड़कों से काफी पीछे रह गई हैं। इराक देश की सीमाएं 6 देशों से लगती हैं। इसके दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान देश है। दोस्तों, आज के समय में आप लोग बाइक, साइकिल, कार आदि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहिए का यूज होता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है दुनिया में सबसे पहली बार पहिए का आविष्कार इराक देश में ही किया गया था। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर घूमने की मुख्य जगहों में होली श्राइन ऑफ इमाम हुसैन, इरबिल सिटाडेल, मुतनबी स्टैचू, इराकी नेशनल म्यूजियम, शामी अब्दुल रहमान पार्क, फैमिली मॉल, बगदादी म्यूजियम आदि जगह शामिल है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।